मोहाली चंडीगढ़ की सांझी हद के उत्ते बंदी सिंह की रिहाई बेअदबी दटनावान से बहबल कलां गोलीकंड समेत होर सिख मामलों बारे जथेदार जगतार सिंह हवारा कमेटी से पंथक कमेटी समेत होर सिख जथेबंदियों का पक्का मोर्चा जारी है। ठंड से बारिश के बावजूद लोगों के हौसले बुलंद हैं। वारिस पंजाब के जथेबंदी के मुखी भाई अमृतपाल सिंह खालसा ऐतवार को अपने सैकड़े समर्थकों के काफिले के पक्के मोर्चे में पहुंचे। इस मौके भाई अमृतपाल सिंह ने कहा कि सिखा समय दरकार अदालतों तो इंसाफ की आस नहीं रखनी चाहिए है, बल्कि खालसा राज की प्राप्ति लिए सांझी लड़ाई लड़नी चाहिए है। इस दाल ही श्रोमणी अकाली दल के प्रधान से सांसद मैंबर सिमरनजीत सिंह मान ने भी अपने विचार सांझे करते कहा कि देश के सिखा वक्रे कानून बनाए गए हैं, जबकि हुक्मराना के अपने चहेतियां वक्रे कानून हैं। श्री अकाल तख्त साहब का पक्का जथेदार न लाने उपर सवाल उठन लगे हैं। लंबे समय तो ज्ञानी हरप्रीत सिंह ही श्री अकाल तख्त साहब के कार्यकारी जथेदार वजो अहुदा संभाल रहे सन, ते ए मामला कई बार उठाया है पर इस बारे कोई फैसला अजे तक नहीं लिया गया। यह भी अहम है कि पंजाब अंदर तीन तख्त साहब हैं पर काफी समय तो दो जथेदार ही सेवा संभाल रहे हैं। हुण विरोधी धिर दे अंतरिंग कमेटी मैंबरां ने पंथक मामलों संबंधी श्रोमणी कमेटी के प्रधान नूं पत्र लिखा है। उन्होंने पत्र दे विच भी श्री अकाल तख्त का पक्का जथेदार ते श्री हरिमंदर साहब का पक्का हैड ग्रंथी ना होण ते श्री अकाल तख्त के हैड ग्रंथी के पंजाब विचाले तीन तख्तों के जथेदार होण ते सख्त इतराज जताया। यह भी अहम है कि पंजाब अंदर तीन तख्त साहब हैं पर काफी समय तो दो जथेदार ही सेवा संभाल रहे हैं। हुण विरोधी धिर दे अंतरिंग कमेटी मैंबरां ने पंथक मामलों संबंधी श्रोमणी कमेटी के प्रधान नूं पत्र लिखा। उन्होंने पत्र दे विच श्री अकाल तख्त का पक्का जथेदार ते श्री हरिमंदर साहब का पक्का हैड ग्रंथी ना होण ते श्री अकाल तख्त के दो हैड ग्रंथी ते पंजाब विचाले तीन तख्तों के दो जथेदार होण ते सख्त इतराज का प्रगटावा किया। उन्होंने इस वर्तारे नूं परंपरा ते सिद्धांतों के खिलाफ दस्या। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉट न्यूज़ इंडिया।